का अध्याय है उसका 26 से लेकर 16 1 से लेकर 7 तक मैं आपके सामने रखूंगा। यमुना 15 अध्याय 26 से लेकर 16 1 से लेकर 7। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाही गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। ये बात मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को जाना है और मैंने और ना मुझे जानते हैं, परंतु वे बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आराम में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तुम कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारे मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। ये था परमेश्वर।